वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभ कार्येषु सर्वदा। आज हम छत्तीसगढ़ जिला के अंदर छत्तीसगढ़ में और दुर्ग में खड़े हुए हैं और मैं अपनी टीम के साथ में यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का जो आयोजन होने वाला है बहुत ही सुंदर स्तर से, और ये अभी यहाँ से शोभा यात्रा का प्रारंभ होगा। ये ललितेश्वर महादेव हैं, यहाँ से शोभा यात्रा प्रारंभ होगी और जहाँ भागवत प्रांगण है वहाँ पर यहाँ से शोभा यात्रा जाएगी। जय श्री राम। यहाँ पर भागवत जी नीचे में रखी हुई हैं इस जगह में, थोड़ा दिखाएंगे भागवत जी को भी। यहाँ पर भागवत जी हैं और इस स्थान से अब हम भागवत जी को लेकर के प्रस्थान करेंगे। ये हमारे ललितेश्वर महादेव जी हैं, अंदर में दर्शन करिए, ललितेश्वर महादेव जी के दर्शन कराएं आप। ये ललितेश्वर महादेव हैं और ये हमारे श्रीधाम वृंदावन से पधारे हुए महाराज परम पूज्य आचार्य भागवत रत्न से सम्मानित पंडित श्री मोहित स्वरूप जी गौतम, जो श्रीधाम वृंदावन से यहाँ दुर्ग भिलाई में श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करने के लिए आए हैं, भागवत श्रवण कराने के लिए भक्तों के आए हैं। मैं महाराज जी से प्रार्थना करूँगा कि दो शब्द आप भी बोलेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। बड़ा ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत यहाँ दुर्ग में बहुत सुंदर विशाल भव्य श्रीमद् भागवत का आयोजन यहाँ होने जा रहा है। मानो यहाँ शोभा यात्रा की इतनी सुंदर तैयारियाँ हैं, ऐसा महसूस हो रहा है कि ये दुर्ग नहीं हमारे श्रीधाम वृंदावन की गलियाँ हैं। और श्रीधाम वृंदावन में बहुत सुंदर ये अग्रवाल परिवार की तरफ से आयोजन है। मैं पूरे अग्रवाल परिवार को बहुत सुंदर शुभकामना देता हूँ और श्रीमद् भागवत को इन्होंने वृंदावन से न्योता दिया उसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत इनके लिए शुभकामना। राधा रानी से यही प्रार्थना, ऐसे ही आयोजन ये कराते रहें और इस सुंदर सफल आयोजन को बहुत सुंदर तरीके से मेरी राधा रानी पूर्ण कराए, ये मैं आशा करता हूँ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। जैसा कि महाराज श्री ने बहुत ही सुंदर शब्दों में कहा कि श्रीधाम वृंदावन से मेरे बांके बिहारी जी स्वयं चल करके यहाँ पर आए हैं और बड़ा ही आनंद आएगा। ये अग्रवाल परिवार के द्वारा ये हमारे मुख्य यजमान हैं जो इस भागवत ओम प्रकाश अग्रवाल, ओम प्रकाश जी अग्रवाल, ओम प्रकाश जी अग्रवाल जी हैं, ये दुर्ग से ही हैं, सिंगल गोत्री हैं। ये कौशल्या देवी अग्रवाल, श्रीमती कौशल्या देवी अग्रवाल। अच्छा, ये आपने जो भागवत कथा का जो आयोजन किया है ये क्या उद्देश्य था और कहाँ से ये प्रेरणा मिली? बुजुर्गों की वो थी इसलिए करवा लें। यानी आपके बुजुर्गों की आशा थी कि एक हम श्रीमद् भागवत कथा का विशाल आयोजन यहाँ पर करवाएं और आपने अपने पूरे परिवार को, रिश्तेदार नातेदारों को, मैं देख रहा हूँ मैं कि समस्त पूरे परिवार ने रिश्तेदारों को इकट्ठा किया हुआ है। ये देखिए आप कि समस्त परिवार इनका यहाँ पर एकत्रित है और यहाँ से भागवत को लेकर के ये प्रस्थान करेंगे और अभी इस समय यहाँ पर पूजन प्रारंभ हो चुका है भागवत जी को ले जाने के लिए। बोलो राधे राधे। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, हस्तो वृक्षाल्या ऋषिकेशाय नमः। पूजन प्रारंभ हो चुका है और यहाँ से अब हम भागवत जी को लेकर के भागवत प्रांगण में जाएंगे। प्रगति मीडिया से भगवत स्वरूप गौतम। शोभा यात्रा जा रही है भागवत स्थान के ऊपर में, सब माताएं कलश लेकर के ये सब जा रही हैं।